नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से, मैं कंसल्टेंट हूँ और रिसेक इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। किसी को अगर मेटल्स का बिजनेस सीखना हो या उसको स्टार्टअप करना हो या उसको बिजनेस को अपने स्क्रैप मेटल बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, वो मेरे से आके मिल सकता है। मैं उसको उसकी पूरी हेल्प करूँगा, अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू उसको पूरा बिजनेस सिखाता भी हूँ, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों। तो मोस्ट वेलकम है जो आना चाहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कॉपर स्क्रैप बिजनेस में चाइनीज लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं। मेरे एक पुराने मित्र हैं जो थाईलैंड में रहते हैं, 2018 में उनके साथ एक हादसा हुआ था, उनके साथ फ्रॉड हो गया था। चाइनीज सप्लायर ने उनको मिट्टी भेज दिया था कॉपर कहकर। तो जो ये डील है, ये एक थाईलैंड की कंपनी है और चाइना की कंपनी दोनों के बीच में है। जो थाईलैंड की कंपनी है वो खरीदार है और चाइना की जो कंपनी है वो विक्रेता है। तो ये डील करीब 6-7 महीने चली थी। 6-7 महीने में ये डील में तय हुआ था 500 मेट्रिक टन से 1000 मेट्रिक टन आपका मंथली का फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर मिलेगा आपको थाईलैंड की कंपनी को। ट्रायल ऑर्डर 500 टन का मिलेगा, फिर उसके बाद रेगुलर 1000 मेट्रिक टन को खरीदना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट शिपमेंट उनके पास आई थी, उनको क्या मिला था ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए, आज मैं आपको इसमें पूरा केस स्टडी बताऊँगा कि कैसे चाइनीज फ्रॉड करते हैं। और इंडिया के लोग भी इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं, इनका फ्रॉड हो चुका है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ऐसी कई पार्टियां हैं जिनको करीब करीब करोड़ों का चूना ये लगा चुके हैं चाइनीज सप्लायर। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि इनसे कैसे बचना है, लेकिन मेरी बात शायद सब लोग तक नहीं पहुँच पा रही है। तो आप मेरी वीडियो शेयर करके उन तक पहुँचा सकते हैं जो भी नए मेटल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा प्रूफ दूंगा, उनकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, किस टाइप के वीडियो इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया बैकग्राउंड क्या रहता है उनका और किस तरह डॉक्यूमेंट रहते हैं, ये पूरी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को पसंद आए, डिसलाइक भी कर सकते अगर पसंद ना आए, और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो। क्योंकि जैसे हमें जो चीज़ पता चलती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाना चाहिए ताकि किसी वक्त से फ्रॉड ना हो जाए। और इंडियंस सबसे ज़्यादा फ्रॉड के शिकार इसलिए बनते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में अपने डिसीजन लेते हैं, पेशेंस रख के थोड़ा भी बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। मेरे पास भी ऐसे कई लोग आते हैं जिनको बहुत जल्दी रहती है पैसा कमाने की। तो ये जो बिज़नेस है, ये आपको फास्ट ग्रोइंग बिजनेस नहीं है, इसमें बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है और फ्यूचर में 8-10 साल बाद आपको इसका ग्रोथ नज़र आएगी। जो लोग सोचते हैं कि हम 2-3 कंटेनर मंगा के बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं बहुत जल्दी पैसा कमाना, जो कि मुमकिन नहीं है। तो इससे सबक सीख लें कि इनका जब इतने बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ ये फ्रॉड होता है। इतने पुराने हैं, 40 साल पुरानी कंपनी, इनका इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो जो नए लोग उठ के आते हैं उनके साथ क्या होगा। मेटल स्क्रैप बिजनेस इतना ऑर्गेनाइज नहीं है कि उसमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन चैनल नहीं है, तभी इसमें बहुत सारा स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। वो लोग जो नए लोग हैं उनको नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। दोस्तों, डील के स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे वीडियो फोटो एक्सचेंज होते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। थाईलैंड वाली कंपनी ने सारा कुछ किया था, फिर भी उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भेजे थे, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मेरी पूरी केस स्टडी है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चाइनीज़ किस तरह से फ्रॉड करते हैं। और कभी भी आपको ऐसा ऑफ़र आए तो बिल्कुल भी उस ऑफ़र को नहीं मानना है, उसे आप या तो ब्लॉक कर दें या उस पर ध्यान ना दें। तो दोस्तों, पहले ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग है ये, जो चाइनीज़ ने भेजा है थाईलैंड वाली कंपनी को। ये कंपनी का नाम ऊपर दे रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स में यही कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं। इस टाइप का बिल ऑफ लेडिंग दिया है इन्होंने। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, लगभग इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल हैं। जो छुपाने लायक थी मैंने वो छुपा दिया है। ये लेटर ऑफ इंटेंशन है, सब पूरा डिटेल दे रखा है, कंपनी का नाम सब कुछ है इसमें, क्या प्रोसेस रहेगा। ये पैकेजिंग लिस्ट है, ये परफॉर्मर इनवॉइस है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखा है डिटेल्स में। ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है चाइनीज़ और थाईलैंड की कंपनी दोनों के बीच में,
कि किस तरह से पार्टिसिपेट होगा, क्या क्या कौन कौन क्या क्या करेगा, किसका क्या ड्यूटीज़ होंगी, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जो स्कैमर्स हैं ये उनका सोशल मीडिया बैकग्राउंड है जो भी है, इसमें आप देख सकते हैं सारे स्कैमर और फ्रॉड है। जो इसमें जितने भी इसके ऑपरेटर्स हैं इन पे स्कैम और फ्रॉड के केस चल रहे हैं चाइना में इस पे। और पहली बात, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये इनकी ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, सब ये लोग ने डाउनलोड किए करके फ़ोटो लगाई हुई हैं, और जितना भी ये लोग स्क्रैप बताते हैं सारा ये फेक होता है। ये इनमें से ज़्यादातर जो स्क्रैप है, जो फ़ोटो पिक आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे भी चैनल पर पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैंने 2018-19 में डाले हुए हैं, इन्होंने 18-17-16-17 में डाला हुआ है, तब के ये मेरे वीडियोस भी कुछ डले हुए हैं, इसमें पिक्स भी इसमें यूज़ किए हुए हैं मेरी जो है। और ये कॉपर कैथोड जितना भी आप देख रहे हैं एल्युमिनियम का, ये पूरा एक जो स्कैमर लोग हैं उन लोगों ने इसको कट पेस्ट मारा हुआ है सोशल मीडिया से और यहाँ से डाउनलोड करके। अब जनरली दोस्तों इनमें किस टाइप के लोग फंस जाते हैं, इसमें जनरली दोस्तों उसमें वो लोग फंस जाते हैं जिनका इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये देखिए, ये इनका वेबसाइट है, इसमें आप जाके देख सकते हैं, इनका पूरी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर है, और साथ में इनके एड्रेसेस दे रखे हैं इसमें, इनकी सोशल मीडिया जो बैकग्राउंड से आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। ये स्कैम करने वाले एकदम प्रोफेशनल वे में स्कैम करते हैं, आप इनको पता भी नहीं कर पाएंगे ये स्कैमर है कि नहीं है जब तक आप इनकी पर्सनली विजिट ना कर लें। और कई बार तो ऐसा होता है कि विजिट करने के बाद ही स्कैम फ्रॉड हो जाता है। और जनरली ये उन लोग के साथ स्कैम फ्रॉड होता है जो लोग को बहुत जल्दी रहती है पैसा कमाने की। और इस टाइप को ये चाइनीज जानते हैं कि किस तरह से आपको लूटना है और कैसे आपको इमोशनल करना है, सस्ता माल दिखाना है, ये सब चीज़ें देखकर वो लोग आपको ऑफ़र बेचते हैं उसी हिसाब से। अब जो लोग इसमें नए होते वो फंस जाते हैं। ये जो कुछ पिक्स हैं उसी कंपनी की भेजी हुई थी, जो इसमें नंबर ही पड़ा हुआ उसी कंपनी का, यही जो पिक्स हैं जो थाईलैंड भेजा गया हुआ था और उसमें स्कैमर ने स्कैम करने से पहले पिक्स भेजी थी, उसी को देखते हुए इन लोगों ने ऑर्डर दिया था। और जनरली ये जो वीडियो है सामने, ये ऑल ओवर इंडिया बहुत स्प्रेड हुआ अलग अलग नामों से। ये दिखाते हैं एक्चुअल में यही बोरा आपको दिख रहा है, यही जो पैकेजिंग है इसी टाइप की रहती है। और कई आपको अलग अलग कंपनियों की तरफ से ऑफ़र भी आया होगा। ये सब चाइनीज़ वाले मार्केट में बैठे हुए हैं, स्क्रैप मेटल के जो उसका यार्ड है, जो ओरिजिनल यार्ड है, वहाँ पे ये बोरे में डाल के वीडियो बेचते हैं। और इंडिया में इसको बताया जाता है जेन्युइन है, जबकि इसकी वीडियो मैंने पिछले भी और ही वीडियो बनाई है उसे बताया है। ये उनका यार्ड की वीडियो बना के भेजी थी चाइना वालों ने थाईलैंड वाली कंपनी को। और ये वीडियो के अलावा ये रिसीव हुआ था उनको कंसाइनमेंट, खाली बोरा और उसके अंदर मिट्टी। जब उन लोगों ने ये देखा तो जाहिर सी बात है करोड़ों का माल है, और करोड़ों का माल इस तरह से मिलता है किसी को तो नुकसान तो होता ही है। तो आपके सामने पिक्स हैं, आप इसको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इतना आसान नहीं है ये बिज़नेस करना जितना आसान लोगों को लगता है। अभी इनके साथ तो ये जो कंपनी है तो बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, एक दो कंटेनर झेल जाएंगे, लेकिन इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो एक ही बार में जिनका खेल हो जाएगा अगर इनके साथ एक बार भी फ्रॉड हो गया तो। और ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाइना वाली कंपनी को थाईलैंड वाली कंपनी ने भेजा था पेमेंट से पहले, कंपनी के नाम पे ये और जो LC होती है ओपन किया जाता है उसका ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाइनीज़ कंपनी ने भेजा है। अब इसके आगे जो है LC का पूरा प्रोसेस है, किस तरह से किस कंपनी को कितने का LC खोला है इन्होंने, ये थाईलैंड का एक बैंक है उसका ये LC का परफॉर्मर है। थोड़ा सा इसको स्टॉप करके आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ये इसकी रिसिप्ट है जो LC ओपन करके भेजा गया है उस अमाउंट का जो उनको परचेज करना था। सारा जो भी इसका प्रोसेस है पूरा ओरिजिनली हुआ था, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं जैसे जेन्युइन कंपनी काम करती है। लेकिन इनका जो सिंडिकेट है बहुत पुराना है, और सिंडिकेट के हिसाब से इनके सारी चीज़ें ये लोग गोडाउन हायर कर लेते हैं, उस हिसाब से ये लोग करते हैं काम। अब ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, जो चाइनीज़ कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन है, ये भी ओरिजिनल है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको खुल जाएगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि इनसे इनका घर चलता है लूटमार का। ये वहाँ का रजिस्ट्रेशन है चाइनीज़ कंपनी का, ये 2020 तक वैलिड है इनका। और दोस्तों ये जो चाइनीज़ कंपनी है उसका ओनर है, उसका रजिस्ट्रेशन है, जैसे अपने आधार कार्ड होता है वैसे वहाँ पर ये उनका कार्ड है,
ये इसका जो जिसका फ्रॉड हुआ है उसने ये स्क्रीनशॉट भेजा है, जो जो बंदा देख रहे हैं ऊपर जो वीडियो में है, ये जिसने थाईलैंड का और ये चाइनीज़ है, इन दोनों बीच में कन्वर्शन हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट है ये। तो अब दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जो भी इसका ट्रांजैक्शन हुआ था ये पूरा ओरिजिनली हुआ था, सही। इसमें जितने डॉक्यूमेंट्स थे बिल्कुल ओरिजिनल थे, कंपनी भी ओरिजिनल थी, ठीक है। और जो कंपनी ने जैसे फ्रॉड किया है वो चाइना में 2015 से काम कर रही है, फिर भी उसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं हुआ है चाइना में, फिर भी वो रेगुलर ऐसी फ्रॉड और स्कैम करी जा रही अलग अलग कंट्री में। और इसकी कई इसकी सिस्टर कंपनीज़ हैं जो चाइना में और थाईलैंड, वियतनाम, आप सऊदी अरब और यूके में ऑपरेट कर रही हैं। ये पूरा सिंडिकेट की तरह काम करते हैं ये। आपको कोई भी अगर ऑफर आता है 30-40% डाउन या 50% डाउन, 60% डाउन, तो समझ लीजिए टोटली आपके साथ स्कैम और फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया में कहीं भी इतना सस्ता माल नहीं मिलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड एलमी पे काम होता है, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड यूएसडी में चलता है वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड एलमी पे सिस्टम काम करता है, पूरा मेटल स्क्रैप बिजनेस का इंटरनेशनल मार्केट में पूरा एलमी का सिस्टम चलता है, उसी के रेट के हिसाब से काम होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपके साथ स्कैम और फ्रॉड जब हो जाता है उसके बाद आपका कोई भी साथ नहीं देगा। जो जितने भी एक्सपोर्टर और ये सब सिखाने वाले हैं, ये आपको बोलते हैं कि यहाँ से आप एम्बेसी में जाइए, यहाँ जाइए। जब इंडिया के जो केस होते हैं, जब वो कम से कम 20-20 साल लगा देते हैं, तो आप कैसे सोच रहे कि आप बाहर जाके 2 साल 1 साल में कर लेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नोएडा में एक बंदा था, उसका वो खुद गया था वहाँ पे, और जब वहाँ जाके उसने सब कुछ चेक करके जब पेमेंट उसने अपने भाइयों का पेमेंट कर दो, तो उस बंदे ने पेमेंट किया, फिर वो 2 दिन बाद दोबारा लोडिंग के लिए गया वहाँ पे। वो पूरी वो फैक्ट जब वो फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री का जो रियल ओनर था उसने कहा, भाई साहब हम तो जानते नहीं हैं आप कौन है, हमें लगा आप विजिट करने आए हैं। तो फैक्ट्री का जो रियल ओनर था उसने फिर इंडियन को भगा दिया वहाँ से, फिर वो भाग के इंडिया आया, केस किया, अभी तक केस चल रहा है, 2021 तक अभी तक केस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ उसका। इंडिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनको करने का। मेटल स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना हुआ है, जिसमें फ्रॉड और थेफ्ट अगर आपके हो जाए तो उसमें क्या क्या होगा, गवर्नमेंट आपका क्या साथ देगी क्या नहीं देगी, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है कि अगर इंटरनेशनली किसी का फ्रॉड हुआ है तो वो कैसे काम करेगी। क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, इंपोर्ट को नहीं किया जाता है। अगर एक्सपोर्ट में कोई फ्रॉड हो रहा है तो आपका साथ दे देंगे वहाँ पे, और अगर इंपोर्ट में हो रहा है तो नहीं देते हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है, इंडियन गवर्नमेंट को इसको खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में जनरली लोग के साथ फ्रॉड क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको ये बिज़नेस नहीं आता है कि इस बिज़नेस में कैसे किया है। तो कई लोग मेरे पास आते हैं, भाई साहब कॉपर क्या रेट चल रहा है, मैं कहता हूँ ये रेट चल रहा है, भाई साहब मुझे 1,000 टन का मेरे पास आया हुआ है, किसी बाहर की कंपनी ने 1,000 टन का बोला हुआ है, मुझे उनको प्रोवाइड करना है, आप जहाँ से ओरिजिन है वहीं की वहीं उनको भेज दो आप। तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है ना, आपको जब कॉपर का ये नहीं पता तो आप कैसे बिजनेस कर लेंगे, या तो आप किसी से सीख लीजिए। और ऐसे तो भाई साहब देखिए मेरे पास है, कई लोग ऐसे आते हैं, भाई साहब मेरा पैसा है ये मंगा दीजिए, मैं आपको एडवांस दे दे रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई साहब, मैं आपको मंगा के दे भी दूंगा तो आप बेच नहीं पाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ऐसी है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस अगर आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो चाइनीज़ जैसे लोग जो बैठे हुए हैं ये आपके से 100% फ्रॉड करते हैं। मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हुए हैं, जो लोग मुझे भेजते हैं कि भाई साहब देखिए हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, ये स्कैम हो गया, ये डॉक्यूमेंट आया था, मेरे पास भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंडियन के कितना दिखाऊं मैं इसमें, क्योंकि मैं उन लोग का केस स्टडी बना लेता हूँ जो इंटरनेशनल में बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इतने पुराने होने के बावजूद भी उनके साथ स्कैम हो रहा है। तो इंडिया में जो नए लोग बैठे हैं वो पता नहीं कितने बड़े सपने देखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेटल स्क्रैप बिजनेस सीखना हो, मेरी कंसल्टेंसी लेना हो, तो मोस्ट वेलकम है, मेरी पेड कंसल्टेंसी होती है, उसको प्रॉपर मैं आपको एक टाइम देता हूँ, उसमें पूरा आपको सिखाता भी हूँ, डील्स कैसे करना है, बिज़नेस सेटअप बनाने में पूरी हेल्प करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम है, जो भी आना चाहे आ सकते हैं, और जिनको अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता रखा है कि मैं 2 टाइप से डीलिंग करता हूँ, या आपको कंसल्टेंसी देकर या आपके साथ एग्रीमेंट करके। अगर आप
मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो या तो कंसल्टेंस जुड़ें या फिर एग्रीमेंट करके जुड़ें। आप मेरे पास आके बैठ के बात करते हैं तो मैं आपको डील दे पाऊँगा। और अगर आप फ़ोन पे मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब क्या रेट चल रहा है और क्या मैं माल ख़रीद सकता हूँ, मेरे पास कोई बड़ी डील आई है मुझे उसके लिए माल चाहिए, तो मैं उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता हूँ, ना मैं उसको एक डील बताता हूँ। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप बात कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको लेकिन कोई डील नहीं दूंगा जब तक आप मेरे पास आते नहीं हैं। कई लोग बोलते हैं भाई साहब कोई डील होगी तब ना आएंगे। भाई साहब मैं आपको जानता नहीं हूँ तो डील कैसे दे दूँगा आपको मैं? यार मेरे साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे तभी डील दूंगा ना। तो दोस्तों सबसे पहले डील से पहले आप पहले एक व्यवहार बनाना सीखे किसी से भी। बिना व्यवहार के आपकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। व्यवहार बनाइए, अगर अच्छा चला तो भाई पैसे मायने नहीं रखता है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप दोस्तों ये भूल जाइए कि चाइनीज़ में ये फ्रॉड होता है भाई साहब, ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड ये स्कैम और फ्रॉड होते हैं। और जिनको कोई चीज़ नहीं आती है, लल्लू टाइप लोग होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि बिज़नेस कैसे किया जाता है और करने आ जाते हैं, या ज़्यादा पैसा है, दो नंबर का पैसा पड़ा हुआ है, तो इस टाइप में ये लोग फंस जाते हैं। और कई लोग ऐसा पैसा लगाने के बाद भी फंसने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पैसे का प्रूफ नहीं दे पाते हैं। कई लोगों ने करोड़ों की एलसीया खोल ली हैं, कई लोग का टीटी के थ्रू पेमेंट गया है। तो टीटी का पैसा पहुंचने के बाद कौन सा आपको मिलने वाला है? सऊदी के ऐसे कई फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, लोग भरे पड़ लगे हुए हैं कि भाई साहब 40,000 1,00,000 मैट्रिक टन, 50,000 50,00,000 मैट्रिक टन, पता नहीं कितना कितना लाख करोड़। हालांकि ऐसा लगता है कि पूरा मार्केट में इनका ही कब्जा हो रखा है। सऊदी वाले लगे हुए 1,00,000 टन 2,00,000 टन। अब ऐसे में कोई अगर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में बैठे हुए हैं वो तो करोड़ों रुपए डुबा के बैठ जाएंगे। वो लोग तो बैठे हुए हैं भाई साहब ऐसे आके फंस जाओ। वो लोग चाहते हैं ऐसे लोग आएँ जिनको नॉलेज नहीं है। अब ऐसे में आप पहुँच जाओगे तो आपको काट दिया जाएगा। काटने के बाद फिर रोते घूमते रहोगे, कभी कोर्ट, कभी कुछ, कभी FIR करोगे, उससे कुछ होना है नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर पैसा चला गया आपका, फिर आप रोते रहो, पीछे घूमते रहो, कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको इस चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे मार्केट्स में डील करना है, ठीक है? तो इन लोग से बचना है। और अगर आपका कोई आदमी, अगर आपका कोई साथी एक ऐसी डील कर रहा है तो उसको रोकना है। अगर कोई आपको ऐसी डील बेचता है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसी कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे आप जाके इसको वेरीफाइड करा सकते हैं। ये मत सोचिए कि अगर आप डील किसी को बताएंगे तो वो क्रैक कर लेगा भाई। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर बिजनेस करना है तो सोच समझ के कीजिए, बिना सोचे समझे कोई भी डील ना करें। ज़्यादा पैसा है तो गरीबों में दान कर दें, फालतू में अपना वेस्ट ना करें पैसा ऐसे। आई दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।